हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपका ये प्रथम सेमेस्टर चल रहा है जैसे कि आपको पता होगा, और आपका पेपर जो गणित होता है ये चतुर्थ प्रश्न पत्र होता है, ठीक है। चौथा पेपर आपका गणित का पेपर होता है, तो ये अगला साल का पूछा हुआ प्रश्न है जो आज हम डिस्कस करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, ठीक है। आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए आपको दिक्कत आएगी। इसलिए ये जो पूछे गए हैं प्रश्न आपके अगले साल, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हल होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे कमेंट थे कि बस यही पूछ रहे थे कि जो मैथ का होता है पेपर पैटर्न कैसे होते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपका प्रश्न कैसे पूछा जाता है, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से पूछा जाता है। बट ईजी और सिंपल चीज़ें ही हम सभी से गलत हो जाता है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि कोई भी गलती ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि जो गणित का पेपर होता है वो 25 नंबर का होता है, ठीक है, और आपको टाइम 1 घंटे मात्र मिलते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। आपको आपको आपका जो पेपर है वो 3 मतलब दिसंबर में होगा, तो दिसंबर में तो होगा नहीं, जनवरी में हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास समय बहुत कम है, सितंबर अभी ख़त्म होने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो टाइम बहुत ही कम है, तो आप स्टार्ट कर दो। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कौन सा पहला आपका प्रश्न था। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त क्या है। तो निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त, अगर आपने पढ़ा होगा कि अपवर्तक, क्षमापवर्तक, अपवर्त्य, ठीक है, तो आपको पता होगा जिसमें गुणज आते हैं उसे हम अपवर्त्य कहते हैं। तो जैसे कि आपके आपके सामने पहला है 1, 9, 11, 13, तो देखिए ये तो पहले ही गलत हो गया। 1, 9 का ये गुणज 1 है ही नहीं, ना 11 है ना 13 है, तो ये तो पहले ही गलत, ठीक है। आपको विकल्प काट कर उसके बाद आप सही ऑप्शन पर टिक कर सकते हो। अब जैसे कि दूसरा यहाँ से देख सकते हो कि देखते हैं 9 का गुणज इसमें आता है या नहीं, ठीक है। तो 9 एकम 9, ये भी सही है, 9 दूनी 18, 9 त्रि 27, 9 चौको 36। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो दूसरा है इसमें आपका गुणज सही मिल रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। तो फिर हमें तीसरा और चौथा देखने की ज़रूरत नहीं है, जब हमें सही आंसर मिल जाए तो टाइम वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता चल गया कि दूसरा होगा, ठीक है। अपवर्त हम उसे कहते हैं कि मान लो जिसमें गुणा जाते हैं, मान लो अगर 8 है तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरकी 24, 8 चौको 32, जिसमें गुणज आते हैं वही आपका अपवर्त्य होता है, तो आपका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला आप देख सकते हो कि 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन से हैं। देखिए बहुत ही ईजी है, जैसे कि आप यहाँ पहला देख सकते हो कि अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो 31 और 33 में ये तो पहले ही गलत है, ये 33 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। अब 11 से कट करो तो कट जाएगा, ठीक है। अब दूसरा यहाँ देख सकते हो कि 33 और 37, ये भी 11 से 33 कट जाएगा, 37 हम चलिए मान लेते हैं लेकिन 33 तो नहीं है ना, इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरा हम देख सकते हैं 31 और 37, ठीक है, जो 31 और 37 है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 30 के बाद 31 होता है, 31 के बाद 37 होता है, और 37 के बाद आपका जो होता है वो 41 होता है, ठीक है, 39 नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, तो इसलिए आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। अब अगला आपका प्रश्न है कि ठीक है, देखिए ये मौसम पूछ रहा है कि 3 संख्या 3, ठीक है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है, ठीक है। अब यदि उनका महत्तम समापवर्तक मतलब मौसा 12 है, तो ये संख्याएं कौन कौन सी है। अगर आपको मौसा और लौसा आता होगा तो बहुत ही आसान है, मैं इस वीडियो में बता दूंगी मतलब इसमें चारों ऑप्शन में कौन सही होगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि 10 और 20, तो मतलब यहाँ देख सकते हो 10 और 20 कोई इसमें मौसा निकलेगा ही नहीं 12 का, तो ये तो पहले ही गलत है। दूसरा आप देख लो, जैसे कि 12 है, 24 है, 36 है, तो ये आपको सिंपल ही सिंपल लग रहा है कि हाँ यही होगा, 100% होगा। जैसे कि देखिए अगर आप गुणा करोगे तो 12 एकम 12, ठीक है, 12 एकम 12 हो गया, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। 12 दूना 24, ये भी करेक्ट हो गया, और 12 तिया 36, तो इस तरीके से हमारा ये 12 से तीनों कट जाएगा, तो इसलिए हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और आपका मैथ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो अगला आपका प्रश्न है कि किसी कक्षा में,
ठीक है, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, ठीक है, 30 बच्चे हैं उसमें से 80% बच्चे पास हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं, ठीक है, जो 80% है इसको आपको काट कर बता देना है कि कितने जो बच्चे हैं वो उत्तीर्ण हैं 30 बच्चों में से। तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसे कि आप देखिए मैं बता देती हूँ सॉल्व, आपको ऐसे ही करोगे कि 30 लिखोगे, ठीक है, और 80 का 100 होगा, जैसे कि आप यहाँ से 80 लिखोगे तो जब 80% है तो नीचे 100 आएगा। एक मिनट मैं अच्छे से आपको बता दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ 30 बच्चे हैं तो हम 30 इंटू, ठीक है, 30 इंटू 80 यहाँ लिखेंगे, और परसेंट है तो हम परसेंट को जब हटाएंगे नीचे तो नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है। नीचे जो जैसे ही हम 100 लिखेंगे तो जैसे कि 0 से 0 ये कट हो जाएगा, और 8 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो आपको सिंपल पता है कि 8 3 का 24 होता है, तो आपके जो 24 बच्चे हैं ये उत्तीर्ण है, पास है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ 24 जो है आपका पहला करेक्ट है। अगला आपका पांचवा है कि 18% का भिन्न रूप क्या होगा, ठीक है। तो 18% का भिन्न रूप बहुत ही इजी है, अगर आपने भिन्न निकालना आप जानते हो तो बहुत ही इजी है। तो चलिए मैं बता देती हूँ आप सभी को भिन्न कैसे निकलेगा, देन लेट्स सी। तो चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि 18% है, तो भिन्न रूप हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि 18% है तो परसेंट का 100 होता है, तो सिंपल आपको क्या करना है 18/100, ठीक है, ऐसे कर देना है, और हम इसको आप काटते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 2 9 18, ठीक है, और 2 5 10, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके सामने जो आया है 9 और नीचे आया है हर में 50, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके ऑप्शन में 9/50 है, तो ज़्यादा सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऑप्शन में वही हो तो आपको सिंपली 9/50 लगा देना है, ठीक है। तो फिलहाल आज हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल किए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि पहला प्रश्न है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो है 100, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो 100, और यही अगर पूछ दिया होता कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है तो वो हो जाता है 90999 हो जाता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आज हमने जो डिस्कस किया ये मैथ का आपका जो पूछा गया प्रश्न है अगले साल का वही प्रश्न हमने डिस्कस किया, और आप देख सकते हो बहुत ही इजी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा दोगे तो आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा और आप 25 में से 24 नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो आज हमने ये डिस्कस किया, अगर आप ये PDF चाहते हो तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, मैं इसका जो टेलीग्राम है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू अगेन।